पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बर्फबारी से बढ़ी गलन भरी ठंड, सोमवार को पूरे दिन नहीं हुए सूरज के दर्शन। मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश को ऑरेंज जोन किया घोषित, आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने दी जानकारी। गोरखनाथ मंदिर में बम की फर्जी सूचना देने वाले अभियुक्त कुर्बान अली को कैंट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश कुमार सिंह ने पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि गोरखपुर विश्वविद्यालय में सन 2000 में 57 कोर्स हो रहे थे संचालित, 2022 में बढ़कर हो गया 140 कोर्स, 12 नए लैब का हुआ शुभारंभ। गोरखपुर में बढ़ती ठंड को देखते हुए जिलाधिकारी ने कक्षा 12 तक के सभी विद्यालयों को 7 जनवरी तक के लिए बंद करने का दिया निर्देश, आगे मौसम को देखते हुए लिया जाएगा निर्णय, एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह ने दी जानकारी। गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश कुमार सिंह ने नव वर्ष के अवसर पर शिक्षकों व अधिकारियों के साथ संवाद भवन में की बैठक, कहा बाजार पर आधारित शिक्षा में अपनी उपलब्धियों को प्रदर्शित करना है महत्वपूर्ण, स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों से अपने संसाधन जुटा रहा है गोरखपुर विश्वविद्यालय। यातायात पुलिस की उपलब्धियों एवं आगामी गोरखनाथ में लगने वाले खिचड़ी मेले को सकुशल संपन्न कराने के लिए एसपी ट्रैफिक की अध्यक्षता में ट्रैफिक पुलिस की बैठक हुई संपन्न। एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने कहा 2023 में यातायात पुलिस जनपदीय पुलिस के साथ ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाने का करेगी कार्य। गोरखपुर विश्वविद्यालय में गोरखनाथ शोधपीठ की नई बिल्डिंग हुई तैयार, इसी सप्ताह में कार होने जा रहा है शुरू, 8 रिसर्च एसोसिएट व 1 ओएसडी करेंगे कार्य प्रारंभ। शोधपीठ में 7000 स्क्वायर फीट में संग्रहालय को किया जाएगा स्थापित, कुलपति प्रोफेसर राजेश कुमार सिंह ने दी जानकारी। आज़ादी के अमृतकाल में महापुरुषों को सम्मान देने के लिए अरुणोदय आर्मी सहित अन्य सहयोगी सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों ने कसी कमर, देश के प्रथम राष्ट्रपति देश रत्न व भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की प्रतिमा एवं प्रतिमा स्थल की साफ सफाई। संयोजक इंजीनियर पी के मल ने कहा सड़क और चौराहों को साफ सुथरा रखते हुए चौराहों पर लगे हुए महापुरुषों की प्रतिमा के सम्मान का भी रखना है ख्याल। और नगर निगम के द्वारा बढ़ती ठंड को देखते हुए महानगर के विभिन्न चौराहों पर किया गया अलाव की व्यवस्था, ठंड से बचने के लिए लोग जल रहे अलाव का सहारा लेते आए नजर, सड़कों पर लोग लाइट जलाकर चला रहे हैं वाहन।